शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक डाउट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इट सिम्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से करें कि वो सही हो, क्योंकि कहीं पर कुछ और लिखा दिखता है तो कहीं पर कुछ और लिखा दिखता है, जिसमें पढ़ने वाले उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उनके लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, डाउट होता है। तो वही डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इट सिम्स का मतलब होता क्या है? इट सिम्स का मतलब होता है लगता है या ऐसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, लगता है या ऐसा लगता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, इट सिम्स का मतलब। अब हम इसे सेंटेंस में किस तरीके इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट पूरी तरह से आज क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम एक एक करके समझते जाते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है इट सिम्स मनोज गोज टू मुंबई डेली। ऐसा लगता है मनोज रोज मुंबई जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, बट अर्थ बिल्कुल वही रहेगा, अर्थ बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। अब ज़्यादातर जगहों पर ऐसा लिखा देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, खासकर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ बोलने वाले लोग या ज़्यादातर जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं वो बोलते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, ऊपर वाली लाइन को, और नीचे वाले आप सुनते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपके अंदर डाउट शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है, मीन्स इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इट सिम्स मनोज गोज टू मुंबई डेली होता है, ऐसा लगता है कि मनोज मुंबई रोज जाता है। अब इसको हम इस तरह से बना रहे हैं कि मनोज सिम्स टू गो टू मुंबई डेली। यहाँ पर मनोज मीन्स इट सिम्स के बाद जो आ रहा है, इसका जो मेन चीज़ है, मेन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं, उसके बाद सिम्स, उसके बाद टू, सिम के बाद टू लगेगा कि मनोज सिम्स टू, उसके बाद गोज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिम मेन वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए, तो यहाँ पर एस लग गया, इसलिए यहाँ पर गोज की बजाय गो हो जाएगा, तो गो टू मुंबई डेली। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से बोला जाता है तो इस तरीके से भी बोला जाता है, और अगर कोई भी इस तरीके से बोलता है तो आप समझ जाना कि इसका अर्थ यही होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है इट सिम्स ही इज गोइंग टू मार्केट। ऐसा लगता है वो मार्केट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है वो मार्केट जा रहा है। अब इसको हम ऐसे बनाकर देखते हैं कि सिम्स के बाद क्या है, ही है, तो ही सब्जेक्ट हुआ, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे ही सिम्स, उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, तो वहाँ पर सिम के बाद टू बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही सिम्स टू बी गोइंग टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि वो मुंबई जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे ये बोलो या ये बोलो, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल बेधड़क निसंकोच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस है इट सिम्स ही हैज़ रिच्ड मुंबई। ऐसा लगता है वो मुंबई पहुंच गया है। ओके फ्रेंड्स, इट सिम्स ही हैज़ रिच्ड मुंबई। ऐसा लगता है वह मुंबई पहुंच गया है। यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो इसको हम वैसे ही बनाएंगे, ही को पहले लिखते हैं ही सिम्स टू हैव। अगर कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो यहाँ पर सिम्स के बाद टू हैव लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, टू हैव लिखने के बाद यहाँ पर जो होगा आगे हम लिख देंगे।
तो यहाँ पर है ही सीम्स टू हैव रिच्ड मुंबई, यहाँ पर ही हैज लिखा है तो यहाँ पर हम हैज नहीं लिखेंगे, हैज का हैव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हैव है तो हैव ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो ही सीम्स टू हैव रिच्ड मुंबई, ऐसा लगता है वह मुंबई पहुँच गया। ओके फ्रेंड्स, दोनों सही है, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करो। अभी चौथा सेंटेंस है, इट सीम्ड सीमा हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग, ऐसा लगा मतलब इट सीम्ड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इट सीम्ड, ऐसा लगा सीमा हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग, सीमा यहाँ बहुत लंबे समय से रह रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो वहाँ पर हम सीमा यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद सिम्ड लिखेंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सिम्ड लिखने के बाद टू हैव फिर बीन, यहाँ पर चाहे हैज हो या हैव हो, यहाँ पर हम हैव ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीमा सिम्ड टू हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, दोनों का अर्थ एक ही हुआ कि सीमा, ऐसा लगता है कि सीमा यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रही है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लगा, यहाँ पर सॉरी मैंने लगता है बोल दिया, ऐसा लगा कि सीमा यहाँ बहुत लंबे समय से रह रही है। ओके फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस है, जैसे वहाँ पर अगर कोई वर्ब नहीं होता है कि यू सीम टू बी न्यू हियर, ओके, ही सीम्स टू बी एंग्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यू सीम टू बी न्यू हियर, यहाँ पर भी हमने टू बी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका भी हम ये पहले तरीके से बना सकते हैं कि इट सीम्स यू आर न्यू हियर, हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट सीम्स यू आर न्यू हियर, या यू सीम टू बी न्यू हियर, आप यहाँ पर नए लगते हो। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट हम बनाकर ही बता देते हैं कि इट सीम्स यू आर न्यू हियर। ओके फ्रेंड्स, इट सीम्स यू आर न्यू हियर, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ही सीम्स टू बी एंग्री, वह गुस्से में लगता है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट सीम्स ही इज एंग्री, इट सीम्स ही इज एंग्री। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर या तो आप इस तरीके से बोलिए, या इस तरीके से बोले, या ऐसे बोले, या ऐसे बोले। यहाँ पर यह मैंने क्यों लिखा, लिखकर बताया आपको, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो बिना वर्ब वाला सेंटेंस भी अगर ऐसा आता है तो उसमें हम इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था डाउट ऑफ सीम्स का, इट सीम्स का मीन्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और डाउट भी क्लियर हो गया होगा सिम के बारे में, कि सिम्स का इस्तेमाल हम कैसे, किस तरह से और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और कितने रास्ते से, कितने तरह से करते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सही क्या है उसमें, तो आप समझ ही चुके होंगे कि दो दो तरीका मैंने बताया, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बोलना पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट जानकारी दोनों के बारे में होनी चाहिए, आप बोलेंगे तो एक ही, बट जानकारी दोनों के बारे में होनी चाहिए ताकि सामने वाला अगर कोई भी बोले तो हम समझ सके। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आपके दोस्तों को, अपने आपके परिवारों को, ताकि वैसे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सके और फ्री में घर बैठे इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।